Welcome students. My name is Priya Sharma and in this lecture I will teach you the concept of supply. And this lecture is recorded by Swami Vivekananda Vidya Mandir. Here we will discuss the concept of supply. Before we go through this supply chapter, we have to know about the meaning of supply, importance of supply. सप्लाई कुछ नहीं है, सप्लाई एक कॉन्सेप्ट है जो आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट का एक पार्ट है. और विदाउट सप्लाई चैप्टर यू कॉन्ट गो थ्रू विद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट. एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है प्रोडक्शन करना, प्रॉफिट अर्न करना. बट प्रोडक्शन के थ्रू वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, उसमें एक स्टेप होती है. तो सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप ही सप्लाई होता है. तो इसीलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कि इसमें आप सप्लाई के मीनिंग को जज करोगे, सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को जज करोगे और कैसे सप्लाई डिफर करती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ मीनिंग ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई कुछ नहीं है, सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट ए प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल एट ए गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है, उस 100 यूनिट्स को मैं ऑफर कर रही हूँ मार्केट में फॉर सेलिंग. देन दैट 100 यूनिट्स विल बी कंसिडर एज ए सप्लाई. 100 यूनिट्स X की प्रोड्यूस हुई फैक्ट्री में, मैंने इस 100 यूनिट्स को 10 रुपीज पर केजी सेल आउट करने का सोचा है. तो मैंने क्या करा है, ये 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स को ऑफर कर रहा है एट ए गिवन प्राइसेस पे फॉर सेलिंग. देन 100 यूनिट्स ऑफ X विल बी कंसीडर एज ए सप्लाई. ठीक है, अगर मैं इस 100 यूनिट्स का मैंने प्रोडक्शन कर लिया बट मैं उसको ऑफर नहीं कर रही फॉर सेलिंग, मैंने उस 100 यूनिट्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करा है उसका, तो वो 100 यूनिट्स मेरी सप्लाई नहीं कंसीडर होगी, या उसको हम 100 यूनिट्स को हम सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मान सकते. क्योंकि सप्लाई का मेन फीचर होता है प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल एट ए गिवन प्राइसेस. देखो गिवन प्राइसेस इसलिए वर्ड यूज किया है कि एक प्रोड्यूसर है, ऑफकोर्स वो प्राइस पे ही आपको ऑफर करेगा, आप उसके अगेंस्ट कुछ प्राइस वो चार्ज करेगा. अगर वो अपना गुड्स जो उसने प्रोड्यूस करी है वो आपको ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग, वो आपको सेल कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो कुछ प्राइस आपसे चार्ज करेगा. इसलिए हमने यहाँ पे एट ए गिवन प्राइसेस लिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट 10 की जगह 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हो सकती है, वो उस प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है. बट एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ अटैच होता है सप्लाई के साथ. देखो कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक का, कि स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है. स्टॉक कुछ नहीं है, स्टॉक है इट्स रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल विद द सेलर इन द मार्केट. मतलब स्टॉक उस क्वांटिटी को बताता है, उस क्वांटिटी को रेफर करता है जो एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है. और सप्लाई उस क्वांटिटी को बताता है जो एक प्रोड्यूसर ऑफर करता है फॉर सेलिंग. देखो इसके बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. देखो एक प्रोड्यूसर है, उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी. ठीक है, इस 100 यूनिट्स उसने प्रोडक्शन कर ली, मार्केट में उसके पास अवेलेबल कितनी यूनिट्स है, 100 यूनिट्स. देन 100 यूनिट्स विल बी कंसीडर एज ए स्टॉक. बट इस 100 यूनिट्स में से वो ओनली फॉर 70 यूनिट्स क्या बोलता है कि मैं 100 यूनिट्स में से वो 70 यूनिट्स ही क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग. देन 70 यूनिट्स विल बी कंसीडर एज ए सप्लाई. तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस. यहाँ स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 यूनिट्स. जिसने 30 यूनिट्स को मे बी वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता है,
कोई भी रीजन हो सकता है, प्रिकॉशनरी मोटिव हो सकता है, सेल्फ कंजम्पशन हो सकता है, अदर रीजन हो सकता है. हम यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में डिफरेंस. तो स्टॉक कितना हुआ आपका, स्टॉक हुआ 100 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड्स, जो क्या है प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है इन द मार्केट. क्यों? क्योंकि उसने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है. वेयर सप्लाई क्या है, ओनली फॉर 70 यूनिट्स, बिकॉज ही ओनली ऑफर ओनली फॉर 70 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड्स. आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. सप्लाई चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपको सप्लाई चैप्टर का जो टर्म है, जो मीनिंग है, वो आपको आता है या नहीं आता. तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहीं से बनता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. तो ये डेफिनेशन लिखोगे 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट कंटेंट है. 2 मार्क्स से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है. ये 2 मार्क्स का ही कॉन्सेप्ट है और 2 मार्क्स की से ज़्यादा यहाँ का क्वेश्चन नहीं बनता. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सप्लाई. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सप्लाई. देखो सप्लाई के 4 टाइप्स होते हैं. 4 टाइप्स ही मेजोरिटी ऑफ, यानी अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2 टाइप्स निकलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर एंड मार्केट सप्लाई कर. ओके, बट आप सप्लाई को 4 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर सकते हो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर. ओके, देखो सप्लाई कर्व को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई. हेयर वी आर क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे सप्लाई को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. अब देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ ए कॉमोडिटी विच आर ऑफर फॉर सेल एट ए डिफरेंट प्राइसेस. देखो इंडिविजुअल सप्लाई कर में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक शेड्यूल है, एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है. देखो शेड्यूल का मीनिंग ही होता है टेबुलर स्टेटमेंट. अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो या टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो तो वो कॉन्सेप्ट शेड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई है, मतलब आप इंडिविजुअल सप्लाई के कॉन्सेप्ट को अगर टेबुलर स्टेटमेंट या टेबुलर के फॉर्म में या टेबल के थ्रू अगर आप प्रेजेंट करते हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है. तो टेबुलर स्टेटमेंट है ये, ठीक है. इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल है तो एक पर्टिकुलर फर्म का डिफरेंट प्राइसेस में कितनी क्वांटिटी वो ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग, ये हम जज करते हैं, ठीक है. तो कुछ नहीं है इंडिविजुअल सप्लाई का, इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल फर्म का, सप्लाई मतलब सप्लाई, शेड्यूल मतलब उसका शेड्यूल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म अपने डिफरेंट प्राइसेस पे जो ऑफर कर रहा है वो सेलिंग, अगर उस कॉन्सेप्ट को हम शेड्यूल या फिर टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. देखो एग्जांपल है, यहाँ हमने प्राइसेस ली है या हमने क्वांटिटी सप्लाई ली है. देखो 1 रुपीज प्राइसेस पे फर्म ए, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. एक फर्म कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है फॉर ऑफर, 10 रुपीज, 10 क्वांटिटी, 10 यूनिट्स बोल दो, ठीक है, 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स वो ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग. अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, यहां ये डिस्कस नहीं कर रहे हम कि प्राइस इंक्रीज होने का रीजन क्या है, हम उसको डिस्कस नहीं करें. प्राइस इंक्रीज ड्यू टू एनी रीजन हो गई, डिमांड के कारण या फिर अदर फैक्टर्स के कारण, यहां वो डिस्कस नहीं करें. अगर प्राइस 1 रुपीज से 2 रुपीज हो गई तब प्रोड्यूसर को क्या लगेगा कि भाई प्राइस इंक्रीज हो गई, मतलब उस प्रोडक्ट पर अब क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है अगर वो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे और उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर दे.
क्योंकि देखो 1 रुपीज प्राइस में जो उसका प्रॉफिट हो रहा था वो 2 रुपीज प्राइस वाले प्रोडक्ट में या 2 रुपीज प्राइस पे उसको कुछ ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपीज प्राइस में उसको रैंडमली मान लिया 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, 2 रुपीज प्राइस पे उसको 8 से कुछ समथिंग 15 20 इनका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है फॉर द प्रोड्यूसर। तो वो क्या करता है, जब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, अब प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, तो वो इसी कारण अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर देता है। देखो बच्चों, आपको बुक में ये चीज तो मिल जाएगी, 1 रुपीज प्राइस है 10 रुपीज क्वांटिटी, 2 रुपीज प्राइस है 20 रुपीज क्वांटिटी, कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपकी आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। बट उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको बुक में नहीं मिलेगा, उसका रीजन ये है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होने के साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, इसीलिए हाइयर प्राइस हाइयर सप्लाई, ठीक है। तो 1 रुपीज प्राइस पे 10 रुपीज, सॉरी 1 रुपीज प्राइस पे 10 यूनिट्स वो सप्लाई कर रहा था, जब प्राइस 2 रुपीज हो जाती है तो 20 यूनिट्स वो सप्लाई करता है, एज इट इज 3 रुपीज प्राइस पे 30 एंड 4 रुपीज प्राइस पे 40 एंड 5 रुपीज प्राइस पे 50। तो ये क्या है, एक सप्लाई शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म का है तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बन गया है। अब यहाँ पे इस टेबल को आप जब रीड आउट करोगे तो आपने कुछ ऑब्जर्व करा क्या, देखो एक ऑब्जर्व करने की चीज ये है कि जैसे प्राइस इंक्रीज हुई, 1 2 3 4 5 है ना, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई इसके रेस्पॉन्स में आपकी क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, मीनिंग इफ प्राइसेस विल इंक्रीज देन योर क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये रिलेशनशिप कैसा है, ये रिलेशनशिप है पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज ही होगा, पॉजिटिव का मतलब ये भी है कि सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गई। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो नेगेटिव हो रही है सप्लाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई भी नेगेटिव हो रही है, फिर आप अगर आप इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलोगे तो ये तो गलत हो गया। नहीं बच्चा, ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इसको जज करना आना चाहिए। पॉजिटिव है इसका कैसे पता चला, कि प्राइस इंक्रीज हुई, डायरेक्शन इंक्रीज का है, ड्यू टू दिस रीजन आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, तो आपकी सप्लाई का भी डायरेक्शन अपवर्ड है। मतलब अगर ये डायरेक्शन सेम है तो कौन सा रिलेशनशिप शेयर करता है, दो वेरिएबल्स पॉजिटिव, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब डायरेक्शन अगर सेम है देन दे विल शेयर पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे डिमांड में क्या होता था, आपको डिमांड याद होगा, डिमांड में क्या होता था, प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती थी। ये रिलेशनशिप कौन सा है, ये रिलेशनशिप है नेगेटिव रिलेशनशिप, कि एक का डायरेक्शन तो अपवर्ड है एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। समझ में आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है, आई होप क्लियर हो गया इंडिविजुअल सप्लाई का, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक क्या है डिफरेंस, आपका एक्सप्लेनेशन का डिफरेंस है। अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो आपका इंडिविजुअल शेड्यूल बन गया हो, वहीं अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई को एक कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हो या कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज नथिंग, इट इज ए ग्राफिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज सिंगल प्रोड्यूसर। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल है तो सिंगल प्रोड्यूसर ही आएगा, आप यहाँ पे प्रोड्यूसर्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि इंडिविजुअल है ये, तो ए सिंगल प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल
एट वेरियस प्राइसेस. ठीक है, देखो इंडिविजुअल. अब आपको शेड्यूल के शेड्यूल के डेफिनेशन में क्या करना था, ये ग्राफिकल की जगह टेबुलर स्टेटमेंट लिखना था. बाकी सेम डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अब देखो इसी टेबुलर स्टेटमेंट को ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफिकल में प्लॉट कर दो इस वैल्यू को, तो आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मिल जाएगा आपको. देखो इस वैल्यू को प्लॉट करना देखते हैं. 1 रुपीज प्राइस में एक फार्मर कितना क्वांटिटी सेल आउट कर रहा था, 10. तो देखो प्राइस वाला ये है वाई एक्सिस, 1 रुपीज प्राइस में 10, तो आपको फर्स्ट पॉइंट मिला ये. ठीक है, देन प्राइस है 2 रुपीज, प्राइस इंक्रीज हो गई, देन प्रोड्यूसर विल ऑल्सो इंक्रीज इट्स सप्लाई, तो सप्लाई इंक्रीज करके उसने कितनी करी, 20. 2 रुपीज प्राइस, सप्लाई इज 20, ये पॉइंट मिले. देन 3 रुपीज प्राइस 30, 4 रुपीज प्राइस 40, एंड 5 रुपीज प्राइस 50. अब इसको आप मर्ज कर दो इन सभी पॉइंट्स को, तो आपको क्या मिलता है, यू हैव डिराइव्ड सप्लाई कर्व, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. व्हाई? बिकॉज इट्स ए सप्लाई ओनली फॉर ए प्रोड्यूसर, इट्स ए सप्लाई विच इज क्रिएटेड बाय ओनली ए प्रोड्यूसर, दैट इज वी विल कॉल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. क्योंकि एक सिंगल फर्म या प्रोड्यूसर ने ये सप्लाई क्रिएट करी, इसलिए दैट विल बी कंसिडर एज ए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कुछ नहीं है, इट्स अ ग्राफिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट अमाउंट. जो क्या शो करता है, अमाउंट शो करता है जो एक प्रोड्यूसर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, आई एम एम्फसाइज ऑन दैट वर्ड सिंगल प्रोड्यूसर, इस सिंगल प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल. क्योंकि सप्लाई का नेचर ही है वो ऑफर की जाती है. ठीक है, आप शिफ्ट करते हैं थर्ड. अब हमने इंडिविजुअल शेड्यूल देख लिया, इंडिविजुअल सप्लाई देख लिया, अब बात आती है मार्केट की, मार्केट सप्लाई शेड्यूल. देखो मार्केट में क्या है, अगर मार्केट में 3 या 2 प्रोड्यूसर है तो मार्केट क्या होगा, मार्केट में अगर जैसे मार्केट है उसमें 2 प्रोड्यूसर है, तो दोनों प्रोड्यूसर की अगर मैं सप्लाई को मर्ज कर देती हूँ या ऐड कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिली, मार्केट की सप्लाई मिली. क्योंकि मार्केट में 2 ही प्रोड्यूसर है, दोनों प्रोड्यूसर की सप्लाई को ऐड करके मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज मार्केट सप्लाई. कि मार्केट में 2 प्रोड्यूसर है, दोनों प्रोड्यूसर की ऐड कर दी तो मार्केट में इतनी ही सप्लाई है. अगर मार्केट में 10 प्रोड्यूसर है तो 10 के 10 प्रोड्यूसर की अगर सप्लाई को मर्ज कर देती हूँ या ऐड कर देती हूँ, तो वो कौन सी सप्लाई बन गई, मार्केट सप्लाई. तो मार्केट में जितने प्रोड्यूसर है उन सबकी सप्लाई का सबमिशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई. और अगर वो टेबुलर फॉर्म में अगर वो टेबुलर फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए मार्केट सप्लाई शेड्यूल. और इफ यू आर एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, देन इट विल बी कंसिडर मार्केट सप्लाई कर्व. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है थोड़ा फास्ट हो गया है. मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई का सम्मिशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई. ठीक है, अगर इफ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट विथ टेबुलर स्टेटमेंट, देन इट विल बी कंसिडर एज ए मार्केट सप्लाई शेड्यूल. और इफ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाइक ग्राफ, देन इट विल बी कंसिडर एज ए मार्केट सप्लाई कर्व. ओके, इसको देख लेते हैं. इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट. मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इट ऑल द प्रोड्यूसर. यहां देखो बच्चों, यहां क्या लिखा है, ऑल द प्रोड्यूसर. मार्केट में जितने भी यहाँ पे एक क्या लिखा है, ऑल द प्रोड्यूसर, और आप इसको ऐड भी कर सकते हो, ऑल द प्रोड्यूसर इन द मार्केट आर ऑफरिंग फॉर सेल. समझ में आया कि मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं
उन सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई का सबमिशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसको टेबल फॉर्म में देखेंगे क्योंकि ये शेड्यूल है तो टेबुलर फॉर्म में ही आएगा ये। देखो प्राइस है 1, 2, 3, 4, 5। फर्म मार्केट में ओनली 2 फर्म्स है। ये टेबल क्या शो कर रही है, मार्केट में ओनली 2 फर्म्स है, फर्म 1, फर्म 2। देखो फर्म बोलू या प्रोड्यूसर बोलू, बोथ आर सिमिलर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आप कई बार फर्म वर्ड यूज करो, कई बार प्रोड्यूसर वर्ड यूज करो। बोथ आर सिमिलर, प्रोड्यूसर और फर्म एक ही है, समझ में आया। तो प्राइस क्या है, 1 रुपीज है। 1 रुपीज प्राइस में फर्म ए कितनी सप्लाई क्रिएट कर रहा है, 10 यूनिट्स। वही सेम 1 रुपीज प्राइस में फर्म टू कौन सी कितनी सप्लाई क्रिएट कर रही है, 20 यूनिट्स। तो मार्केट में कितनी हुई, मार्केट में 2 ही फर्म्स है तो दोनों की सप्लाई का एड ही या समिशन ही मार्केट सप्लाई है। तो 10 प्लस 20 कितनी हुई मार्केट की इसकी सप्लाई, 30 यूनिट्स। ओके, देन 1 रुपीज प्राइस पे देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, एट 1 रुपीज प्राइस मार्केट सप्लाई इज 30 यूनिट्स एंड इन दिस 30 यूनिट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म 1 इज 10 यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म 2 इज 20 यूनिट्स। ओके, देन प्राइस इज 2 रुपीज। इफ प्राइस विल इंक्रीज देन सप्लाई विल इंक्रीज, वी नो दैट, बट मार्केट सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजेज। येस, मार्केट सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज सप्लाई इज सप्लाई, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन। अब देखो प्राइस 2 रुपीज हो गए, फर्म 1 क्या है, कितनी सप्लाई दे रही है, क्रिएट कर रही है, फर्म 1 ने सप्लाई क्रिएट करी 20 यूनिट्स की, देन फर्म टू क्रिएट 30 यूनिट्स ऑफ सप्लाई, देन मार्केट सप्लाई इज ऑफकोर्स सेम सबमिशन, दैट विल इज 50 यूनिट्स। देन 3 रुपीज प्राइस में मार्केट में कितनी सप्लाई हुई, एड करोगे 30 को और 40 को, कितना आया, 70। देन 4 रुपीज प्राइस में कितनी मार्केट सप्लाई आ रही है, 90। एंड 5 रुपीज प्राइस में 110, सॉरी। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मार्केट में जितने प्रोड्यूसर है उन सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई का समीशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप शेड्यूल फॉर्म में या टेबल फॉर्म में बताते हो तो ये बन जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द सेम कॉन्सेप्ट विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देन इट विल बी कंसिडर एज ए मार्केट सप्लाई कर्व। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई कुछ नहीं है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब इस टेबल को अगर आप ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हो देन इट विल बी कंसिडर एज योर मार्केट सप्लाई कर्व। अब देखो इसको, देखो बच्चा मार्केट सप्लाई कर्व है ना, ये थोड़ा टिपिकल है, डिफिकल्ट पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मार्केट सप्लाई का डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है और ये मार्केट सप्लाई एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, डिराइव मार्केट सप्लाई कर्व एंड शेड्यूल। शेड्यूल तो इजीली कर लोगे आप, तो मार्केट ये लिखा और ये लिखा, बट कर्व में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से सुनना जो मैं बता रही हूँ, धीरे, मैं खुद चाहती हूँ मैं थोड़ा धीरे करूँ। इट इज डेराइव्ड बाय वे ऑफ हॉरिजेंटल सबमिशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री या मार्केट में। बहुत आसान है, देखो इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन होता है हॉरिजेंटल सबमिशन ऑफ ऑल द फर्म्स सप्लाई कर्व, ठीक है। सभी फर्म्स के सप्लाई कर्व को मैं अगर सम करती हूँ, सबमिशन करती हूँ, और वो सबमिशन कैसा है, हॉरिजेंटल सबमिशन है, तब मैं क्या डिराइव कर पाऊंगी, मेरा मार्केट सप्लाई कर। देखो इसको डिराइव करते हैं पर धीरे धीरे करेंगे, चीज़ें आएगी क्लियर, टाइम लगेगा पर चीज़ें होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म ए का सप्लाई कर्व क्रिएट करते हैं।
फर्म ए 1 रुपीज प्राइस में कितनी क्वांटिटी सप्लाई करी है? 10. तो ये पॉइंट मिला आपको, ठीक है. प्राइस हो गई 2 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाई इज 20. ठीक है. अब है प्राइस 3 रुपीज पे, वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करिए? 30. तो 30 आपका यहाँ हुआ 3, एंड दिस इज 30. प्राइस 4 रुपीज पे 40 यूनिट्स, देन ये 40 हुआ आपका. एंड प्राइस 5 पे देखो 50 यूनिट्स, तो 50. इनको ऐड करोगे या इनको सम करोगे या इनको जॉइन करोगे तब आपको कौन सा सप्लाई कर मिला? यू हैव गॉट ए सप्लाई कर. दैट इज ए बोल दो या फर्स्ट सप्लाई कर. फर्स्ट मीन्स फर्म फर्स्ट का सप्लाई कर, ठीक है. नाउ वी विल डिराइव फर्म सेकेंड सप्लाई कर. देखो 1 रुपीज प्राइस में फर्म सेकेंड कितनी क्वांटिटी सप्लाई करिए? 20 यूनिट्स. तो 1 रुपीज प्राइस सप्लाई कितनी क्रिएट करिए? 20. तो सेकेंड फर्म का फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिला. देन प्राइस है 2 रुपीज, सप्लाई क्रिएटेड बाय सेकेंड फर्म इज 30 यूनिट्स. तो 2 रुपीज प्राइस पे वो कितनी यूनिट्स क्रिएट कर रहा है? 30. तो 30, 20 और 40 के बीच में होगा एग्जैक्ट. तो ये पॉइंट आपको मिला, ठीक है. देन एट प्राइस 3 रुपीज योर सेकेंड फर्म क्रिएटेड सप्लाई बाय 40 यूनिट्स. तो 40 यूनिट्स कितनी है? 3 रुपीज प्राइस. तो ये 3 यहां से चलेंगे और ये 40. तो अपन को ये पॉइंट मिला, वी गॉट दिस पॉइंट. नाउ एट प्राइस 4 रुपीज 50 यूनिट्स. Now at price 5, you got 60 units. Merge this point. We got second firm supply कर या people, ठीक है. अब बात आती है market supply का derivation. देखो market supply का derivation एक तो easy form है. आप यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू का डायरेक्टली प्लॉटिंग करो तो वो आपको मिलेगा मार्केट सप्लाई. देखो मार्केट सप्लाई देखते हैं. 1 रुपीज प्राइस में मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही है? 30 यूनिट्स. तो 1 रुपीज प्राइस 30 यूनिट्स. तो 30 यूनिट्स हुआ आपका यहाँ, ठीक है. 2 रुपीज प्राइस में कितनी हो रही है मार्केट में सप्लाई? देखो प्राइस है 2 रुपीज, मार्केट सप्लाई मतलब मार्केट सप्लाई के कॉलम में जाओगे, यू गॉट 50 यूनिट्स. देन आप 2 रुपीज प्राइस में 50 यूनिट्स. देन 3 रुपीज प्राइस में 70 यूनिट्स, बिकॉज मार्केट सप्लाई कॉलम टेल्स 70 यूनिट्स इज क्रिएटेड बाय बोथ द फर्म्स. देन 3 रुपीज प्राइस 70 यूनिट्स. 3 रुपीज प्राइस we got third point. Now at 4 rupees price market supply is 90 units. So at 4 rupees price market supply is 90, then we got. Now last point is at 5 rupees price market supply is 110. By merging these points we got market supply curve. और वी कैन से दैट फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म्स का जब हम समीशन करते हैं देन वी गॉट मार्केट सप्लाई. देखो बच्चों यहां हमने डायरेक्ट प्लॉटिंग करी थी, टेबल को डायरेक्ट हमने ग्राफ में प्लॉट करा था. बट कई बार ऐसा होता है कि हॉरिजेंटल समीशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? मार्केट सप्लाई को डिराइव कर सकते हैं. अब हॉरिजेंटल समीशन किस अकॉर्डिंग होता है उसको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट मेथड को हमने डिस्कस करा था. हमने फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करा था, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करा था ग्राफ में और वी गॉट मार्केट सप्लाई कर्व. समीशन ऑफ फर्स्ट फर्म सप्लाई कर्व एंड सेकेंड फर्म सप्लाई कर्व, मीनिंग हम समीशन मेथड में
फॉर्म ए का सप्लाई कर्व एंड फॉर्म बी के सप्लाई कर्व को सम करेंगे, बट ये समीशन का मेथड कैसा होगा इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। समीशन का मेथड का तरीका क्या है, हॉरिजेंटल समीशन है। देखो बच्चा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, हॉरिजेंटल समीशन ना करके वर्टिकल समीशन कर देते हैं, तो वहीं आपका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा ग्राफ चेंज हो जाता है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि था तो समीशन, बट समीशन कौन सा है, किस कैटेगरी का समीशन है, तो समीशन इज हॉरिजेंटल समीशन। देखो अगर प्राइस 1 रुपीज है, हॉरिजेंटल समीशन होता क्या है, 1 रुपीज प्राइस में फॉर्म ए ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, इतनी। फॉर्म बी ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, ये वाला पार्ट। तो मार्केट का कितना होगा, फॉर्म ए का सप्लाई एट फॉर्म बी का सप्लाई। तो फॉर्म बी का सप्लाई कर्व इतना है, डिस्टेंस कैरी करता है, कवर करता है, तो फॉर्म इसमें हम कौन सा सप्लाई कर्व को ऐड करेंगे, हम फॉर्म ए के सप्लाई कर्व को ऐड करेंगे। तो इतना डिफरेंस हम और ऐड करेंगे तो हमने क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। तो या तो आप ग्राफिकल भी इसको कर सकते हो या फिर मैथमेटिकली भी इसको आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैथमेटिकल ही करो। ग्राफिकल में क्या होता है, कुछ बच्चे कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई हॉरिजॉन्टल सबमिशन की, दैट विल बी गुड फॉर यू। नहीं हुई तो आप ये करो डायरेक्ट। देखो 5 रुपीज प्राइस है, 5 रुपीज प्राइस में फॉर्म ए ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, फॉर्म बी ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, इतनी तो करी जितनी ए ने करी, प्लस एड कितनी करी, ये वाला पोर्शन। देन आपका मार्केट सप्लाई कैसे बना, मार्केट सप्लाई क्या बोलते हैं, फॉर्म बी और फॉर्म ए दोनों का समीशन होगा। तो फिर 5 रुपीज प्राइस में फॉर्म बी ने इतनी सप्लाई क्रिएट करी, अब इसमें आपको कितनी सप्लाई ऐड करनी है, फॉर्म ए की सप्लाई, तो इसमें फॉर्म ए की सप्लाई ऐड करिए, तो आपको पॉइंट मिला। आई होप क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट। इसी के साथ टाइप्स ऑफ सप्लाई आपका कंप्लीट होता है। देखो टाइप्स ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज के आते हैं, तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स आपको प्रेफर करूँगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मार्किंग बहुत ज़्यादा है आती है इसमें से, तो आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ आप इसको थोड़ा सीरियस नोट पे इन कॉन्सेप्ट को समझो।